वेलकम टू प्रीति जन्म ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। और रात इतनी होती कि सच में मेकअप भी रिमूव नहीं हुआ, ये भी शेडो भी ऐसी लगेगी। और बाकी अब भाई चाय पिएगा, रोटी खाएगा, गो बस हद हमारी ना। सही कह शिवानी, चाय बनानी चाहिए एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नहीं बनाई है वैसे मैंने, या मेरी इतनी पेज है, बोर्ड है, लेफ्ट हैंड से कभी ऑन नहीं हो सकती। जट्टो माँ को बेटा चाय पिएगा, फिर चाय रोटी खाता रहेगा, पार्ले जी ने उधेड़ेगा फिर, इससे तो रोटी खा लेगा। क्या बोलेंगे वो तो यू है ही है ना, जो कह रहा मुझे फर्क ही ना पड़े, कोई कुछ भी बोलो। एक दोस्त कह रहा मेरा, कल मैं गया पीपलाल गली में, दूल्हा बन गया रिश्ता होगा भाई, घोड़ी चढ़ गया भाई, राहुल राहुल हाँ एमन भाई, तो मैं कौन बता रहा हूँ, लुक बताओ अरे एमन की कहीं ना होगा। वो भी कह रहा है नीरज, ए सही में पाली तो मैं कह रहा हूँ अब अच्छा लग रहा है, इसे स्टेटस लगा दो भी आओ दे वाड़ा तेरा। मैंने तो ड्रेस भी सिलेक्ट कर ली मैं, मेरे बच्चे क्या पहने, हम तो तनुआ के जा रहे हो, हमें नहीं बता रहे हो यार ने, अरे मेरी भूबा कुछ भी नो है। भाइयों और बहनों मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनसे मत कह करो जो भी तुम्हें कहना हो ना, कमेंट में, मैसेज में और टेक्स्ट मैसेज मुझसे पूछ ले करो, इन्हें मत बोले करो, क्योंकि देखो आप पे पता हो जब रिश्ता न हो और ऐसे लोग पूछे तो बुरो लगे, तो कह लो कहीं को अरे विशाल के जी की ना पूछे। ना विशाल की तो कोई दिक्कत ना हो, विशाल के जी पे हाथ रख के तुम कह रहे हो दुल्हन, क्योंकि जो जो भाई जिनके रिश्ता ना हो रहे ना, सच बताइए अपने जी पे हाथ धर के फील हो ना यार, ये इतने तोड़े मारे आते अच्छा तो हो ही जा। महीना देख हंसने हंसाने वाली बात है। अब एक बात बताओ तुम, इतने अच्छे अच्छे जो सॉन्ग रहे हुए जिनसे लगे कि भाई अब एक हॉल में किचन में ही यूज कि जिसकी शादी में आप डांस करना चाहते हो उसे टैग करके वीडियो बनाओ, तो मेरी गलती बताना भाई, हमारे घर में यही दो रह रहे तो हम तो इनकी शादी चाहेंगे, तो मैं गई यू कैप्चर तो मैंने यही ले लिया, और जिसकी शादी में आपको डांस करना आ गए कि क्लिप मैंने इनके साथ ले ली, वो उसमें इन सबके पास मैसेज जा रहे भाई कुछ कॉन्ड कर दो। अच्छा मलिका किसके लिए बचाया था, दुबका दियो तो फिर क्या हो भाई, वो वीडियो मैंने बनाई सबके मैसेज आ लगे, बहन भाई की शादी है तो भाई खुशी हो ना, मैंने की हाँ शादी है, हाँ शादी है, अभी परसों देखने वाले आए मुंह अरविकास है, तुमने तो मैं देख लिया, कह रहे हाँ भाई यो चीज बहुत गलत हो रही है, ये आ रहे हैं ना देखने वाले, और कोई सोचे रिश्ता करा दे तो मेरी वीडियो से ही गलत इफेक्ट गया, मैं अपनी गलती इस चीज को मानती हूँ, कान पकड़ के सॉरी, ये तो लड्डू ही खा रहे हो रिश्ता होगा, तो मतलब मैं फिर ये कह लगे इनका रिश्ता हो रखा है, लॉन्डा ने अपने पापा लिया साइड में, मन कहा पापा इनका तो रिश्ता होगा, एक बहन भी डगी रहे सुनगी, फिर चलो ये बात तो झूठ है बताएंगे, पर भगवान का समखा कह रही हूँ मैं सच में ही, ये बात सच है जो मैं आप बताने जा रही हूँ, जो कोई मुझे मिले दीदी भाई की शादी कब है, तो मैं उनसे जब नु कहूँ ना मरे से जीत मैं इनकी ना ना दीदी तुम्हारे भाई का तो रिश्ता होगा, तो ये हमारा दुख सो भाई, न हुआ मेरे भाई का रिश्ता न मेरे भाई की अभी शादी, हाँ होगा रिश्ता तो बताएंगे। एक ने कमेंट करी भाई मैं क्या ही कहूँ उनके लिए, आप रोटी को इतनी जल्दी जल्दी क्यों पेलती हो बहन, ऐसे करने से तो रोटी मिलती ना, ऐसे करने से ही रोटी मिले, अब वो बात अलग है कि आपने चकला पे बढ़ाई और गिर दी, मेरी मुझे तो आदत है मैं तो चकला पे बढ़ाने के बाद भी थोड़ी बहुत हाथों से बढ़ाऊं, सब्जी गरम करी यस, ठीक है भाई
आज ही बात, चलो मैंने अब आपके सामने भी बोल ही दी, अब मैं बना लेती हूँ भाई के लिए खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तुझे यूं ना आ चुका है तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और क्योंकि मैं उसके लिए तब खाना ही बना रही थी ना, इसलिए बता रही हूँ कि विक्की अब गया और बच्चे भी गए स्कूल, बच्चों के हैं 9, देख सकते हो आप। एक होता है ना टेम्परेरी वाला पोछा, वो लग गया, अब लगाना है दोबारा पोछा मुझे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे एक पोछा फेर दिया, फिर दोबारा धो के लेके आई हूँ, फिर यहाँ पे फेरूंगी, क्योंकि घर की वजह से ना बहुत धूल मिट्टी आती है और डबल डबल पोछा लगाना पड़ता है। और बाकी अभी ये सब कपड़े पड़े हुए हैं, ये तो मुझे धोने हैं, ये सारे सेट करने हैं अभी। काम कंप्लीट होने के बाद में अब मुझे भी नहाना है, मैं भी अभी नहाई नहीं हूँ, बस मैंने कहा पहले बच्चों को भेज दिया और विक्की को, और फिर उसके बाद अब झाड़ू पोछा काम हो जाएगा तब थोड़ा, क्योंकि अब सुबह जल्दी नहाने की हिम्मत नहीं होती, और पूजा हो ही चुकी है। मैंने कहा अब ये कि अब नहा के 9 बज रहे हैं, माता पे तो 12 बजे तक भी जा सकते हैं, तो पास में ही है, मैंने कहा फिर मैं जब चली जाऊंगी, यही कि सुबह के टाइम जल्दी जल्दी मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ, इसलिए उनके लिए ही आज मैंने चाय भी नहीं पी, बच्चों के लिए खाना बनाया और विक्की के लिए बनाया, और चाय वाय सबने पी ली, एक्स्ट्रा चाय बची हुई थी, एक बार सोच ही रही थी पीऊंगी, बट मम्मी ने वो आगे से ही आके ले ली, फिर मैंने कहा चलो सही है, वैसे भी गौरव ने मुझे बोला कि तू चाय पीना छोड़ दे, तेरा तेजाब बनना बंद हो जाएगा, तो मैंने अब चाय पे कंट्रोल कर लिया। कल भी मैंने एक ही चाय पी थी, एक तो पी थी, शाम की चाय मैंने नहीं पी क्योंकि हम वहाँ पे भी गए थे, फिर वैसे भी कॉफ़ी पी ली मैं, हालांकि मना कर रही थी, मैंने कहा कॉफ़ी मत ले, बट शीतल बोलने लगी नहीं सीजन के अकॉर्डिंग, और वैसे भी उसे पसंद है, मैंने कहा चल फिर ठीक है, फिर वो भी कह रही थी तू नहीं पिएगी तो फिर मैं भी नहीं पीऊँगी, मैंने कहा चल ठीक है पी लेते हैं, बट हमारी शिवानी कहती है कॉफ़ी चाय से भी ज़्यादा बेकार होती है, अब यही समझ में नहीं आता, दूध मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मेरे जुकाम और गला खराब खांसी सी हो रही है, तो दूध तो मैं अपने आप से ले ही नहीं रही, असल मुझे लगता है जब दूध में पत्ती लगा लेंगे और अदरक वगैरह डालेंगे तो वो तो चाय ही बन जाती है, इससे अच्छा तो फिर क्या दूध का नाम रह जाता है। और मॉर्निंग में तो खैर मैं दूध पीती ही नहीं हूँ, नाइट में ही पीती हूँ थोड़ा बहुत दूध जो पीती हूँ, क्योंकि पीना भी ज़रूरी है वरना कैल्शियम की कमी हो जाती है, एक हैबिट सी होनी चाहिए कि रात को दूध पीना है, मुझे तो है, कहीं जाऊँ वहाँ तो मैं नहीं मानती कॉमन, क्योंकि अपने घर में जो चीज़ें हो जाती हैं मैं, मुझे बहुत गंदी आदत लगती है कि जिनका ये है कि हाँ हम अपने घर में ये चीज़ करते हैं, हमें कॉमन है और हमें बाहर भी वो चीज़ चाहिए, चाहे हम किसी रिश्तेदार के क्यों ना जा रहे, बट मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं करती, दूसरे के तो जो जैसे होता है उसमें ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ, अपने घर के लिए है कि कुछ चीज़ें कि हाँ मुझे ये चीज़ें ऐसे करनी है तो मुझे नहीं है, दूसरे के घर तो कैसा भी हो चाय पीने का मेरा मन होता है तो पी लेती हूँ, बट अगर नहीं भी है दूध दूध का ऐसा कॉमन रात के टाइम तो कोई वो नहीं है मेरा इशू। और बाकी अभी भी नहाई की शक्ल है रात का, रात तो मतलब ये लगा लो आने के बाद में ऐसी हालत होगी कि आई और बस अपने पार्थ को, बात एक होती है ना कि चुभ जाती है, वो बात ना चुभ गई पार्थ की, इसने मुझे कॉल किया जब मैं मेट्रो में ही थी, तो क्योंकि आते ही मेरे सामने ही गए थे, इनको लगा होगा कि मम्मी आ जाएगी, इन्होंने वेट करके फिर थोड़ा, फिर मुझे ट्यूशन से आया था शायद पार्थ, तब तो मुझे कॉल की, अच्छा जी 2 दिन के लिए चली गई, और 2 दिन के लिए चले गए, मैंने कहा बेटा नहीं मैं 2 दिन के लिए नहीं गई हूँ, मैं तो 1 ही दिन के लिए आई हूँ। तो फिर बोलने लगा अब मैं सोऊंगा किसके पास आप रात के लिए गई हो, तो मैंने कहा नानी के पास सो जाना, हालांकि कल जब मैं आई थी तो वो विक्की के पास सो रहा था, और मैंने आके सबसे पहले उसे हक करके यही बोला, मैंने कहा मम्मा आ गए अब आप मम्मा के पास ही सो गए, पार्थ को तो हैबिट हो चुकी है मुझे ही गले लगा के सोता है वो, दक्ष तो अलग ही सोता है लेकिन पार्थ को आदत हो गई, वो तो सोता ही नहीं है, कह देता नहीं मुझे आपके साथ ही सोना है, वैसे बहुत अच्छे है दोनों, कहीं भी चले जाते तो रुक जाते, ये नहीं है कि हाँ मेरे साथ ही जाना है, बस उनको यही कि मम्मा हाँ हमारे लिए ये ले आना वो ले आना, उसी में वो खुश हो जाते हैं। फिर चलो तो कर लेते हैं आगे का काम कंप्लीट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और चेहरे की हालत देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने चेहरे के लिए, क्योंकि एक तो सर्दी है, सच बताऊँ रात को मुंह धोने का मन ही नहीं करता, मैंने अपने लिए बथुआ का पानी भी निकाला है कि हाँ मुझे सिर धोंगी ना तो वो पानी मुझे अपने बालों में लगाना है, दिखाती हूँ आपको। और हमारी मम्मी, हम कोई ऐसी होम रेमेडी करते हैं ना तो उनको बिल्कुल ऐसे कर देती है जैसे ये कितनी खराब चीज़ें हो, देखो
ये मेरा बथुआ का पानी जो मैंने निकाला था, बट मैं इसे अभी यूज़ नहीं कर पाई और मुझे लगता है ये यूज़ हो भी नहीं पाएगा क्योंकि मुझे हेयर स्पा कराना है। अब मेरा हो चुका है, मैं बीच बीच में हेयर स्पा जो कराती हूँ वो टाइमिंग अब हो चुकी है, तो मैं सोच ही रही थी मैंने कहा हेयर स्पा करा लेती हूँ। और ये पानी निकाला हुआ है और ये भी मुझे लगाना था। पूछूंगी भाभी, कंफर्म करूंगी जिनके पास मुझे जाना है कि मैं भाभी बालों में लगा के आ जाऊंगी पानी, क्योंकि वैसे भी वो भी वॉश ही करेंगी, कंफर्म करके तभी लगाऊंगी। सोच रही थी एक बार तो कि मुझे ये पानी रखा हुआ है तो घर पे ही वॉश कर लो, फिर मैंने सोचा मन का नहीं हेयर स्पा तो मुझे ये लेना ही है अब ज़रूरी, क्योंकि दो तीन दिन बीच में टाइम भी ऐसा ही है, इस बीच थोड़ा बाल भी ठीक हो जाते, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। और इनको मैं सोच रही थी अब कटवाने के लिए, तो जब ही जो अभी आपने शायद मेरी वीडियो भी देखी होगी इंस्टा वीडियो, तो उसमें जो अभी हम मूवी देखने के लिए गए थे, एक मैंने स्लोमो वीडियो बनाई थी उसमें, तो जैसे ऐसे हुआ मुझे गाड़ी दिखाई नहीं दी थी तो मैं ऐसे ऐसे करके गाड़ी ही देख रही थी, तो जो चोटी इधर उधर पलटी ना तो दीदी कह रही नहीं तुझे कसम दे दी अपनी, मन का दीदी थोड़े थोड़े मुझे बाल कटवाने, क्योंकि जो मेरा मेकअप शूट हुआ था ना वो ही बोल रहे थे आपके ये बाल तो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो मैं कहती मैंने कहा इतने बाल मुझे कटवाने, तो कह रही तुझे मेरी कसम अगर तूने बाल कटवाए तो, फिर मैं कहती मैंने कहा बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, फिर अब मानिए कह रही कटवा लियो इतने इतने बाल, इससे ज़्यादा की परमिशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो अभी हेयर स्पा कराऊंगी ना तब थोड़े थोड़े बाल कटवा लूँगी, वैसे भी अगर बीच बीच में कटवाते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, फिर बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, और क्या पता किसके हाथ से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती हो, तो इसलिए नए नए पे करा लेनी चाहिए, मेरी राय तो यही है। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, आगे का क्या है, कहाँ जाऊँगी नहीं जाऊँगी कुछ अभी ऐसा फिक्स भी नहीं है, बट जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही जुड़े रहे और अपना प्यार बनाए रखे। आगे ऊपर और कुछ पहनेगी ना पापा, उल्टी पहन रखी है मैंने, मैंने की इतने नीचे पहनने की है, मैं नहाने जा रही हूँ मैं, तो लाल लाल जेंद मतलब देखो तुम तो। नहीं कह रहे या के ऊपर कुछ पहनेगी ना तू, पापा सोच रहे अभी जा रही हूँ मैं, मैंने की अभी तुम्हें नहाई भी ना आप सबको बताया था कि मैंने कि मैं कहीं जाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो चलते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, काम सारा हो चुका है, और मैं जा रही हूँ ऋषभ के साथ, जो आपका आगे ही आपको दिख ही जाएगा कि कहाँ पे जाने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने ब्लॉग में बोला था और आप सबका उसके लिए रिस्पांस भी अच्छा ही आया था, तो वो चीज़ पूरी करनी तो बनती है, तो उसी को हम पूरा करने के लिए चलते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वही मेरे भाई भी बराबर मेहनत करते हैं मेरे साथ व्लॉग में, हम मैंने कही और मुझे ले जाने के लिए हो गया रेडी, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द हम डांसर भाई से, जिसके लिए मैंने बोला था बहुत अच्छा डांस करते हैं, और ये बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता वो डांस करेगा, लेकिन मेरी उससे पर्सनली बात हुई है, मैंने उससे बोला तो वो कह रहा है ठीक है, मेरे लिए रुका हुआ है, तो भाई जब रुका हुआ है तो डांस तो करेगा ही, मेरी पूरी कोशिश रहेगी डांस कराने की, बाकी आगे देखो। उस वो पहले भी बोल रहा था दीदी मुझे तो शर्म आएगी, मैंने कहा भाई देख शर्म बोलनी पड़ेगी और डांस दिखाना पड़ेगा। तो हम निकल चुके हैं, बहुत जल्द हम पहुंचने वाले लोकेशन पे, तब तक ऐसे जुड़े रहे। देखो यहाँ हमने वीडियो बनाई मैंने और शिवानी ने, ये हमारा फार्म एरिया है, यहाँ पे आज एक वीडियो यहाँ पे शूट करेंगे, आ जाना आते टाइम, कहीं कोई कैसी कह दो वीडियो व्लॉग के लिए हर टाइम खड़े ही रहते हैं साथ में सचोई। अब जब से ही बैठा है दीदी चल चल, मैं ही मैंने की ना मेरा ही थोड़ा वंशा बदल रहा है, फिर मैंने की चल ठीक है आज दोनों रेडी हो गए, पता चले कि कल को कोई सा रेडी ना हो, इससे अच्छा पहले मैं अपना व्लॉग बना ही दूँ। आज का हमारा डांसर
तू बुला ले, मुझे पूरी टीम बुला ले, आज तेरा डांस देख के जाना हमें। मोनू दिखा दे भाई डांस, शर्मा रहो हमार मोनू तो देखे। हमारे मोनू तो मान के ही ना दे रहा, कितनी देर तक मुझे यहाँ मनाते मनाते होगी। मोनू यार मत पहली कह दी, मोनू करे नहीं है मैंने की, मैं हर हाल में करवाऊ, मैं तेरी गैल करने की तैयार हूँ, तू चल कर तो सही। हंस रहो है खुद की जरूरत मोनू, मोनू ने तो डांस करो ना करो, हमने एक दोन की जरूर ट्राई ले ली और अभी तक इसका डांस ही ना हो रहा। इतना वेट मत करा, चल लो भैया मैं घर को। फिर हमें कह रहा दीदी जिम देख लो, वीडियो बना लो और खुद ऐसे ही घूमे जा रहा है। बैठे मत ना। ए मोनू इतनी देर में तो कोई लड़की भी डांस है, मैं बुला लिया डांस मेरे को। नू कह दीद मुझ शर्म आ रही, दीद मुझ शर्म आ रही, बन जा तू तो शर्म में ही रहेगा। कौन में चंगूंगी वो, नू कह रहा मुझ शर्म आ रही है जब मैं अकेला बना के भेज तो रहा हूँ। मेरे आते इनको म्यूजिक स्टार्ट हुआ। रुक जाओ, खड़ा हो जा तेरी एक्टिंग भारी पड़ी था, मैंने बुलाया था। नेक्स्ट व्लॉग में आप ही आओगे, अब बिल्कुल शोर नहीं करना, चुप, थप्पड़ मार दूंगी, हाथ निकाल ले। मैं आ चुकी हूँ घर पे, हो चुका है थोड़ी देर सोने का टाइम और मैं सोती हूँ। आज मुझे हेयर स्पा कराना था, मैं भाभी से पूछ के भी आई, उन्होंने कल के लिए मना कर दिया और आज के लिए बोला था कि आज करा लेना, मैंने कहा आज नहीं कराऊंगी। अब मेरा सच बताऊं तो मूड ऑफ हो गया, मोनू ने मुझे वहां पे बुला लिया और बुलाने के बाद कहने लगा मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रहा था, मुझे नहीं, मैं तो डांस नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, उसको ये था कि मैं सबके साथ प्रैंक करती हूँ, आज मेरे साथ ही उन्होंने उल्टा कर दिया। इधर आ, मेरा मूड ऑफ हो गया सच में, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बस मुझे सोना है। इतना बोला बैठे बैठे भटक रहा है, इतना डांस कर रहा है वो पूछो मत। लेकिन आज कह रहा दीदी नहीं, फिर जब मैंने थोड़ा वहाँ का माहौल देखा कि वहाँ पे लड़कियाँ भी थी जिम में, तो कह रहा था मुझ पर नहीं होगा, मैंने कहा चल कोई नहीं। फिर कहने लगा बहन प्लीज मान जा, तुझे पता ना होएगा, मुझे शर्म आ रही है। मैंने चल ठीक है, इस बहाने जिम में तैने बुला लिया, आ गए हम। फिर मैं घर पे आ गए, दो वीडियो बनाई, आ गई घर पे, मैंने मैं जाती नहीं बिल्कुल भी। रो के खाने क्या फायदा हुआ।
बस चलो तो ये व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। माउंड ऑफ हो गया बहुत ज्यादा मेरा। मोनू मामा ने बुला लिया, फिर डांस भी नहीं किया, बोल रहे थे जिम में डांस करूंगा। इतनी नहीं खाते इनको, दो तीन ले लें। तो दो तीन खा ले बिना जा। नहीं नहीं तू अभी देखियो दे दो। सुबह खाने की ना मम्मा, सुबह इसमें इसमें तो मुट्ठी भरी है, ये भी भरी है, वो भी भरी है। नहीं देख लो जा।